बाढ़, भुखमरी और कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखाने में पीछे नहीं है। एक तरफ उसके नेता भारत को एटम बम की धमकी देने में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ वहां की जनता सिलेंडर में भरी जाने वाली गैस को पॉलिथिन में भरकर इस्तेमाल करने को मजबूर है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की आम जनता का हाल जो इस तरह पॉलिथिन में गैस भरकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये एक और तस्वीर है उसी पाकिस्तान की, जहां इतना सब होने के बावजूद भी वहां कुछ लोग अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। एक तरफ भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर सियासी हंगामा कटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके 60 बच्चे हो चुके हैं। सुनने में थोड़ा अजीब बेशक लगता है, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान के एक शख्स के घर में 60वें बच्चे ने जन्म लिया है। आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ज्यादा बच्चों के होने पर उनकी अच्छे से परवरिश कर पाना बेहद मुश्किल होता है, तो वहीं ये शख्स इतने बच्चों का पिता बन सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि हाजी मोहम्मद खान नाम का ये व्यक्ति पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा का निवासी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाजी जान ने दावा किया कि हाल ही में उनके यहाँ 60वें बच्चे ने जन्म लिया है, जिसमें से उनके 5 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, जबकि 55 जिंदा है और स्वस्थ है। आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि वो अभी भी रुकना नहीं चाहते, बल्कि और भी बच्चों को पैदा करना चाहते हैं। इस पूरी खबर में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि उन्होंने कहा कि न केवल उसकी इच्छा अधिक बच्चे पैदा करने की है, बल्कि उनकी पत्नियां भी यही चाहती हैं। उनके घर में बेटों की बजाय बेटियां अधिक संख्या में हैं। उनका तो ये भी कहना है कि वो बच्चों का पालन पोषण अच्छे से करते हैं। आपको बता दें कि वो क्वेटा शहर के ईस्टर्न बाईपास के पास रहते हैं और एक डॉक्टर हैं, और उसी इलाके में उनका क्लिनिक भी है। गौरतलब है कि ज्यादा बच्चों के पिता के रूप में जाने जाने वाले ये पहले शख्स नहीं है, बल्कि इससे पहले भी अब्दुल मजीद मेंगल नाम के एक शख्स ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जो 54 बच्चे के पिता थे। अब्दुल मजीद मेंगल ने बलूचिस्तान के नुश्की जिले में 6 शादियां की थी और उन्होंने 54 बच्चे पैदा किए थे। हालांकि उनकी 2 पत्नियां और 12 बच्चे उनके जीवन काल में ही गुजर गए थे और उनका भी हाल ही में निधन हो गया था। इस खबर में इतना ही। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।